फैशन फिक्स, कैसे हो आप सब। आई वेलकम यू ऑल और वेलकम बैक टू माय चैनल वेभांशी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा बांद्रा मार्केट शॉपिंग हॉल। बांद्रा में दो मार्केट हैं, एक है लिंकिंग रोड मार्केट और दूसरी है हिल रोड मार्केट। हिल रोड मार्केट ज़्यादा बड़ी है और मैंने सारी शॉपिंग हिल रोड मार्केट से ही करी है। हिल रोड मार्केट का पूरा टूर मेरे इसी चैनल में अवेलेबल है, आप उसको जाके देख सकते हो। एंड आई वुड रिकमेंड मेरे इस वीडियो से पहले आप उस वीडियो को पूरा देखो सो दैट यू गेट द कंप्लीट आइडिया ऑफ व्हाट दिस मार्केट इज़ ऑल अबाउट। सो बीइंग अ गर्ल आई कैन रिलेट हाउ एडिक्टेड वी गर्ल्स आर टू दिस स्ट्रीट शॉपिंग। सो नाउ लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड बिगिन विद आर मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ द वीडियो। सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू व्हाट ऑल जेम्स आई स्पॉटेड देयर इन क्लोदिंग। फर्स्ट वन इज दिस क्यूट रेड ऑरेंजिश फ्लोरल प्रिंट टॉप। इट हैज क्यूट रफल डिटेल्स साइड में एंड बॉटम में भी इसी तरीके के रफल्स इसमें दिए हुए हैं। ये एक डीप नेक टॉप है, इस पे इस तरीके के बटन्स हैं जो कि ओपनेबल हैं। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल यू कैन पेयर दिस विद अ ग्रीन स्पेगेटी, जिस कलर के इसमें फ्लावर बने हुए हैं इस कलर की स्पेगेटी के साथ आप इसको पेयर कर सकते हो। बहुत ही क्यूट टॉप है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा फैब्रिक है इसका। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस टॉप इज ये टॉप इसी सेम कलर में आपको पूरी मार्केट में मिलेगा। एक और जो चीज़ अच्छी है इस टॉप के बारे में, ये आपको हर शॉप में ऑलमोस्ट हर साइज में अवेलेबल मिल जाए। मैंने ये टॉप मार्केट शुरू होते ही सबसे पहले फर्स्ट शॉप से ले लिया था, तो मुझे आगे जाते हुए मार्केट में इस टॉप के प्राइस में काफ़ी वेरिएशन मिला। आप चेक कर सकते हो उसके लिए मेरा मार्केट टूर का वीडियो, उसमें इसके बारे में डिटेल्स अवेलेबल है। सबसे पहले भैया ने मुझे इसका 350 बोला था, तो 50 तो उन्होंने बहुत इजीली इसको कम कर दिया था। उसके बाद 300 में मैंने इसको ले लिया। जब मैं आगे गई तो आगे एक भैया इसको देने के लिए 250 में भी रेडी हो गए थे। सो आई थिंक 250 इज द बेस्ट प्राइस फॉर दिस टॉप। ओके, सो द नेक्स्ट आइटम इज अ शॉर्ट ड्रेस। ये एक ड्रेस है जो कि आप कभी चाहो तो जीन्स के साथ भी, अगर आप इसको बाद में मल्टीपर्पज़ यूज़ करना चाहो तो आप इसको जीन्स के साथ भी पेयर कर सकते हो। दिस इज़ द ड्रेस, इस पर इस तरीके का प्रिंट है। फैब्रिक बहुत अच्छा है, कहीं पे कोई डिफेक्ट नहीं है, मैंने पूरा चेक करके इसको लिया था। ये हाई लो पैटर्न की इस तरीके की ड्रेस है एंड दिस इज़ द प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट है एंड डबल लेयर में है। इसके नीचे इस तरीके का एक बहुत ही सॉफ्ट नेट दे रखा है। ये टॉप के लिए मुझे कुछ बार्गेनिंग नहीं करनी थी बिकॉज ये मैंने वहाँ से लिया है, वो जो शॉप के बाहर सेल लगी होती है 200-300 की, उसमें से लिया है, तो उसमें ऑब्वियसली कोई भी बार्गेनिंग को एंटरटेन नहीं करता है। सो यस, दिस आई बॉट फ्रॉम देयर। उसके बाद जो नेक्स्ट आइटम मैंने लिया है वो भी एक ड्रेस है। दिस इज द ड्रेस, ये भी एक ही साइज में अवेलेबल थी, एक सिमिलर कलर और प्रिंट में। इस कलर के और इसी प्रिंट के आपको बहुत सारे टॉप्स भी मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे, बट इस ड्रेस की क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी। इट हैज दिस लाइनिंग ऑल्सो इन साइड एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड जैकलिन डे योंग, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट। एंड दिस हैज दिस फ्लोरल प्रिंट पैटर्न विद रफल डिटेल्स एट द बॉटम। ये एक शॉर्ट ड्रेस है, टॉप में आपको इसकी लेंथ एडजस्ट करने के लिए इस तरीके के स्ट्रैप्स दे रखे हैं। इसका भी फैब्रिक बहुत अच्छा है, कलर बहुत अच्छा है, तो ये एक तरीके से मैंने कहीं से ढूंढ ढांड के निकाल लिया। अदरवाइज ये तरीके के प्रिंट के टॉप आपको बहुत मिलेंगे मार्केट में, बट ड्रेस बहुत ज़्यादा मुझे स्पॉट नहीं हुई। द नेक्स्ट आइटम विच आई हैव इज अ काफ्तान। बहुत सारे प्रिंट्स मटेरियल में वहाँ पे काफ्तान अवेलेबल थे। कुछ एक दो शॉप्स थी जिन पे काफ्तान की बहुत वैरायटीज थी, उन्हीं में से कहीं एक जगह से मुझे ये काफ्तान मिला। मल्टी कलर काफ्तान है ये, मैंने बहुत सारे काफ्तान देखे हैं बट ये मुझे कुछ डिफरेंट पैटर्न लगा। इसमें जो इसका बैक साइड है उसी फैब्रिक के कटिंग से आगे यहाँ पे ये डिज़ाइन बनाई हुई है एंड इसका भी फैब्रिक बहुत अच्छा था, कलर बहुत अच्छा था, तो मुझे ऐसा लगा मैं इसको डेनिम या शॉर्ट्स के साथ बहुत अच्छे से स्टाइल कर सकती हूँ। सो यस, दिस आई बॉट। ये काफ्तान्स फ्री साइज होते हैं, ऑब्वियसली आपको वहाँ पे अगर आप श्योर हो तो आपको वहीं पे टेलर भी बैठे मिल जाएंगे, आप वहीं से भी ऑल्ट्रेशन करवा सकते हो। अदरवाइज आप इसको ला के फिर बाद में ऑल्ट्रेशन करवा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सो यस, दिस इज द नेक्स्ट परचेज। जो नेक्स्ट आइटम है वो है एक कम्फर्टेबल कॉटन प्लाजो पैंट विद टाई एंड डाई प्रिंट। इस टाई एंड डाई प्रिंट की बहुत ज़्यादा वैरायटी वहाँ पे मार्केट में अवेलेबल थी, बट ये मैंने वहाँ से लिया जहाँ से वो सेल के ही पीसेस लगे होते हैं विद फिक्स प्राइस। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस लोअर इज इट हैज बेल्ट, सेम फैब्रिक की। वहाँ पे आप साइजेस ऑब्वियसली ट्रायल रूम नहीं होते तो आप ट्राई नहीं कर सकते हो, तो इस बेल्ट ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि वेस्ट कितना भी आपको छोटा दिखे यू कैन ऑलवेज एडजस्ट इट। नीचे से ये इस तरीके का है, वाइड है लेंथ में। इसका फैब्रिक बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैंने सोचा ट्रैवल वगैरह में या कभी आपको बहुत ही
लूज कुछ डालना हो बॉटम में तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। कलर्स इसमें बहुत सारे अवेलेबल थे और ऑब्वियसली प्रिंट भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे। एंड इसमें एक ड्रॉबैक भी है जो मुझे घर आके पता चला, वैसे मुझे वहाँ भी पता चला था तो मैं शायद इसको लेती, बट इसमें ड्रॉबैक ये है कि इसमें पॉकेट नहीं है। नेक्स्ट मुझे वहाँ पे एक जगह स्पॉट हुई जहाँ पे 100-100 के इस तरीके के शॉर्ट्स मिल रहे थे। मैंने बहुत कन्विंस करने की कोशिश करी भैया को 200 में 3 दे दे के, बट भैया माने नहीं। तो फिर मैंने ये एक लिया जिसका मुझे फैब्रिक प्रिंट वगैरह सबसे अच्छा लगा। सो यस, दिस इज दी शॉर्ट्स। बहुत सारी वैरायटी थी वहाँ पे शॉर्ट्स की, जिसमें एक बमर शॉर्ट्स की भी बहुत वैरायटी थी। या आप वो वीडियो चेक करोगे मार्केट टूर का तो आपको पता लगेगा कुछ लोगों ने बहुत ही ज़्यादा हाई रेट लगा रखे थे हर आइटम के। दे वर नॉट एंटरटेनिंग एनी काइंड ऑफ बार्गेनिंग ऑल्सो। ओके, सो द नेक्स्ट आइटम विच आई हैव इज दिस प्लेन बेसिक टी शर्ट, वन इन दिस कलर एंड सेकेंड वन इन दिस कलर। दिस आर टू बेसिक टी शर्ट्स, कॉटन इनका फैब्रिक एंड ब्रांड इस वाले का इज H&M एंड इस वाले का इज डिवाइडेड। आई डोंट नो कितना ये ओरिजिनल है और कितना क्या है इसके बारे में मुझे ये नहीं पता, बिकॉज उनके पास गट्ठे का गट्ठा रखा हुआ था। हर साइजेस में उनके पास कलर्स अवेलेबल थे, कुछ एक दो ही कलर थे जिनमें उनके पास कुछ एक दो पर्टिकुलर साइज नहीं थे, अदरवाइज उनके पास सारे ही साइजेस अवेलेबल थे। तो ऑथेंटिसिटी आई कैन नॉट टेल, बट या ये एक मिंट ग्रीन का शेड है। आई डोंट नो कैमरा कैसे पिक कर रहा है, इसको हल्का ग्रेज दिखा रहा है, बट ये ग्रीन का एक शेड है। एंड दिस वन इज मॉफ का कोई शेड है, डार्क मॉफ कलर। आई डोंट नो कैमरे में वो कलर पिक नहीं हो रहा है जो इसका कलर है। ओके, तो क्लोथिंग आइटम के बाद चलते हैं एक्सेसरीज। फर्स्ट वन इज दिस क्यूट बैग, जैसे कि आपको कैमरे में डिफरेंट कलर में शो हो रहा है, ऐसे ही सेम बैग मैंने ऑनलाइन चेक किया, ये सिमिलर साइज में बैग 1200 में अवेलेबल था। इसके साथ ये स्लिंग के लिए बेल्ट दी हुई है जिसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। एंड इट हैज़ एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस जिसमें आपका एक मोबाइल और कुछ पैसे वगैरह आ जाएंगे। तो मैंने आपको वो टूर वाले वीडियो में दिखाया है कि मैंने ये वैरायटी कहाँ स्पॉट करी थी। तो ओके, सो द नेक्स्ट आइटम इन एक्सेसरीज इज दिस बेल्ट। ये बेल्ट कुछ अलग लगी मुझे जो नॉर्मल ब्लैक बेल्ट होती है उनसे। इस तरीके का इसमें इलास्टिकेटेड है आपको एडजस्ट करने के लिए, और इस तरीके से यहाँ पर ये बटन्स दे रखे हैं, इनको खोल के आप इनको अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। और ये बेल्ट बहुत स्ट्रेचेबल थी, मैंने देखा काफ़ी साइज तक ही आ सकती थी। ये वाले भैया के साथ आप वो टू वाले वीडियो में देख सकते हो, मुझे बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करनी पड़ी। इस एक बेल्ट का प्राइस उन्होंने मुझे 390 बताया था, बट आई बॉट दीज टू बेल्ट्स तो उन्होंने मुझे अच्छी प्राइस में दे दिया था। क्वालिटी मुझे इनकी अच्छी लगी, एक सिंपल कोई टॉप हो जिसको आपको अपने वेस्ट पे एडजस्ट करना हो, इनके पास कोई ड्रेस है जो कि आपके वेस्ट से लूज है तो आप इसमें भी बहुत अच्छे से इसको स्टाइल कर सकते हो। ये मुझे बहुत अच्छा और बहुत यूनिक आइटम लगा। लेयर पेंडेंट जो आजकल हर जगह आपको स्पॉट हो जाएंगे ऑनलाइन भी, इज द फर्स्ट लेयर नेकलेस। इसमें एक ये हार्ट स्टार और एक ये मून बना हुआ है। इसकी बहुत ज़्यादा वैरायटी उन भैया पे अवेलेबल थी, बड़े में, छोटे में, अगर आप बल्कि चाहते तो वो चेन वाले पैटर्न में भी जो नेकलेस आता है वो भी उनके अवेलेबल था। अब ये मैंने एक सिल्वर में भी लिया, दिस हैज दिस क्यूट लिटिल चेन, इसके बाद एक स्टार। इनको यूज़ करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप इन पर किसी भी तरीके का परफ्यूम या डीओ मत लगने दो, अदरवाइज ये हाफ एन आवर भी नहीं लगेगा, काले हो जाएंगे और फिर आपके यूज़ के लिए नहीं रह जाएंगे। जो नी भैया से मैंने लिया ये एक ईवल आई वाला पेंडेंट था, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल चेन और ईवल आई है, ये भैया ने 50 का ही दिया। नेक्स्ट आइटम इज दिस इयर रिंग्स, ये फेस वाले इयर रिंग्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी उन भैया पे अवेलेबल थी। हाफ फेस, टिल्टेड फेस, गोल्डन सिल्वर, बहुत ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल थी, तो मैंने ये गोल्डन कलर में लिए हैं फेस के इयर रिंग्स। आप देख सकते हो क्यूट लगते हैं ये, बहुत ही कोई आपने सिंपल चीज़ पहनी हुई है उसको एक तुरंत से पॉपअप इफेक्ट दे देते हैं। हम इनकी एक्सेसरीज आर दी ब्रेसलेट्स, ये दो ब्रेसलेट्स लिए थे मैंने। इसकी क्लिप मैंने वीडियो में नहीं डाली है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया था, एंड ट्राई टू इंसर्ट इट हियर। ये एक सिंपल ब्रेसलेट है जो कि इस थिकनेस में, इस पैटर्न में है, ब्लैक मेटल में, आप देख सकते हो। उन पर बहुत ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल थी यहाँ पे ब्रेसलेट्स की, ऐसे यहाँ से डाल सकते हैं। आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है, कोई भी एथनिक वेयर के साथ भी आप इसको पेयर कर सकते हो, एंड वेस्टर्न के साथ तो जाएगा ही। सो ये सेकेंड ब्रेसलेट इज दिस, ब्लैक कलर में ही है सारा, ब्लैक एंड सिल्वर में,
और पैटर्न इसका वही है जो एक साथ बहुत ज़्यादा रहते थे पहले हम बचपन में लेते थे। इसको पहनने के लिए आपको वैसे ही करना है, आपको अपने हाथ में पहला इसका सर्किल इस तरीके से डालना है, देन आपको अपने हाथ में इसको लेयर करते जाना है। सो यस गाइज, दिस इज इट, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। यही थी पूरी शॉपिंग जो मैंने करी थी। आप इस तरीके की वीडियोज और देखना चाहते हो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आप कोई और मार्केट का टूर भी देखना चाहते हो प्लीज राइट डाउन इन कॉमेंट। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नए कॉन्टेंट के साथ। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू, बाय बाय।